उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और उनकी पुलिस अपराध को रोकने की लाख कोशिशें करे लेकिन बावजूद इसके अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला दिल्ली से सटे हाईटेक सिटी कहे जाने वाले गाजियाबाद से सामने आया है। आपको बता दें कि जहां मौत में गए एक परिवार के घर को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। बताते चले कि चोर घर का मेन गेट तोड़कर घर से लाखों के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। इस घटना का पूरा वीडियो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पूरे वीडियो ने काफी ज्यादा तहलका मचाया है लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं। पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा तो लिया लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर चली गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि रोजाना चक्कर काट रहे हैं थाने के लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये चोरी किसी नेता या अभिनेता के घर पर हो जाती तो आरोपी अब तक सलाखों के पीछे होते लेकिन हैरत की बात तो यह है कि अगर ये चोरी किसी आम शख्स के यहां पर होती है तो लगभग 23 दिन बीत चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं। किस तरीके से चोरों के हौसले बुलंद हैं ये आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जहां आपको फुटेज दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ चोरी का है 27 जुलाई की सुबह हमारे घर में चोरी हुई थी जिसमें मेरा, मेरी मम्मी का और मेरी बहन का सारा जेवर चला गया जिसके साथ साथ कुछ कैश की भी चोरी हो गई। हम लोग पुलिस से पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पुलिस वालों की तरफ से भी हमें पूरा सहयोग किया जा रहा है। हमें पुलिस वालों की तरफ से पूरे आश्वासन मिले हैं कि बहुत जल्द इस मामले को खोला जाएगा, चोरों को पकड़ा जाएगा, हमारा सामान बरामद किया जाएगा लेकिन अभी तक जहाँ तक हमें लगता है अभी तक हमारा कोई भी मतलब चोर नहीं पकड़ा गया है। और वही बात है कि आश्वासन थोड़ी देर के लिए तसल्ली ज़रूर दे देते हैं लेकिन जब तक हमारा सामान हमें वापस नहीं मिलेगा, चोर नहीं पकड़े जाएंगे तो वो आश्वासन थोड़े दिनों के बाद जाके वो बेकार हो जाएंगे, उन आश्वासन की कोई वैल्यू नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की यह पूरी खबर है जो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस फुटेज को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है। आराम से घर का ताला तोड़ा गया है, ताला तोड़ने के बाद घर के अंदर प्रवेश किया और उसके बाद लाखों की यहां से उन्होंने नकदी चुराई है। साथ ही साथ सबसे हैरत की बात यह है कि 23 दिन बीत चुके हैं लेकिन 23 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक यहां पुलिस प्रशासन के हाथ खाली है, न किसी की गिरफ्तारी हो पाई है और अगर दिया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है पीड़ित परिवार को। इस पूरी खबर पर हमारे साथ खुद पीड़ित जो महिला है वो जुड़ गई है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सैमा जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, लगभग 23 दिन बीत चुके हैं लेकिन 23 दिन से अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं। जब आप वहां पहुंच रही हैं तो क्या कहा जा रहा है आपसे? तो अभी आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे लेकिन फिर से आपको बता दें जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये तस्वीरें गाजियाबाद के कैला भट्टे इलाके की है जहां पर बेखौफ अपराधियों का तांडव किस तरीके से मचा हुआ है। ये टीवी स्क्रीन पर चल रही फुटेज से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक दो नहीं बल्कि 3 से 4 की संख्या में ये चोर वहां पर पहुंचे और लगभग रात 11 बजे से ही घर को निशाना बनाकर बैठे हुए थे। आराम से इस चोरी की घटना को अंजाम दिया, कैश चोरी किया यहां से, साथ ही साथ यहां सोने के तमाम जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार लगातार थाने के चक्कर काट रहा है लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं। आखिर क्यों खाली हैं पुलिस प्रशासन के हाथ, अपने आप में एक बड़ा सवाल है ये, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी घटना कैद हो चुकी है, शक्लें साफ तौर पर देखी जा रही हैं, उसके बावजूद भी अभी तक इस पूरे मामले पर किसी भी तरीके का कोई खुलासा नहीं हुआ है। पीड़ित परिवार बार बार पहुंच रहा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। तो मौत में गए परिवार के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है, घर से लाखों के आभूषण और नकदी लेकर फरार हुए हैं। पीड़ित परिवार लगातार गुहार लगा रहा है, चक्कर काट रहा है थाने के लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो एक बार फिर से पीड़िता हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गई हैं। सैमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर।
सहमत जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मेरा सवाल आपसे यही है कि लगभग 23 दिन बीत चुके हैं इस पूरी घटना को, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं। जब आप थाने के चक्कर लगा रही हैं, वहां पहुंच रही हैं, पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है आपसे? तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और उनकी पुलिस अपराध को रोकने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इस खबर को प्रमुखता से इसी वजह से दिखाया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ये कहते हुए थकती नहीं है कि अपराध पर रोक लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश से अपराध धीरे धीरे खत्म हो रहा है ये कहना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें चीख चीख कर ये कहने को तैयार है कि क्या अपराध इस तरीके से खत्म हो रहा है जो फुटेज इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि बेखौफ तरीके से यहां पहुंचते हैं, ताला किस कदर तोड़ा है ये भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीसीटीवी में पूरी घटना ये कैद है, बेखौफ अंदाज के साथ एकदम फिल्मी स्टाइल में ये चोर यहां पर पहुंचे हैं। ताला आराम से खोला गया है तसल्ली से। इस ताले को खोलने के बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। दिल्ली से सटे हाईटेक सिटी कहे जाने वाले गाजियाबाद का ये पूरा मामला है, जहां ये पूरा परिवार रिश्तेदारी में किसी की मौत में गया हुआ था। एक बार फिर से हमारे साथ पीड़िता इस पूरी खबर पर जुड़ गई हैं। सायमा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, सबसे पहले वीआईपी न्यूज पर। उसके बाद सवाल मेरा आपसे सायमा यही है कि 23 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं। जब आप थाने पहुंच रही हैं तो पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं लगातार पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। मैं पूरा इवन चौकी निरीक्षक जो है मिस्टर वैदी, एसएचओ सर, इवन एसपी सर, और यहाँ तक कि मैं एसएसपी सर तक से मिलकर आ चुकी हूँ। अब मुझको लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं और मुझको पूरी तरह से मतलब बताया जा रहा है कि हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हैं और हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हमें पूरी तरह से हम पर भरोसा कीजिए, हम बहुत जल्द आप लोगों के यहाँ की चोरी पकड़कर आपके यहाँ का सामान बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साहब जी, सबसे हैरत की बात तो यही है कि पुलिस प्रशासन को लगभग 23 दिन दिख रहे होंगे, 23 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक ना तो कोई गिरफ्तारी हो पाई है ना किसी तरीके का कोई खुलासा हो पाया है। क्या आपको किसी के ऊपर किसी तरीके का कोई शक है? नहीं मैम, हम लोगों को ऐसे किसी के ऊपर कोई शक नहीं है। जहां तक हमें पुलिस डिपार्टमेंट हमें बता रहा है वो ये कह रहा है कि हम लगातार गिरफ्तारी कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी गिरफ्तारी हो रही है वो हमारे केस से रिलेटेड नहीं हुई है। और जबकि यहाँ पे आप देख सकती हैं कि सीसीटीवी फुटेज में हम लोगों ने चेहरे भी दे दिए हैं, उसमें सब कुछ क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस लगातार यही कह रही है कि हम अब तक बहुत सारे लोगों को उठाकर बहुत सारे लोगों से पूछताछ कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली जो भी बंदे उठाए जा रहे हैं वो आपके केस से रिलेटेड नहीं है, और इस केस को आज 25वां दिन है तो पता नहीं ये आश्वासन हम लोगों को कब तक सुनने के लिए मिलेंगे और कब तक हम लोगों को हमारा सामान बरामद किया जाएगा या हमें कब तक रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आश्वासन से क्या होता है, दिन और रात आराम से कट जाते हैं। आश्वासन सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ी देर के लिए तसल्ली भी मिल जाती है, भरोसा भी होता है कि हाँ हम लोगों को हमारा सामान मिलेगा, लेकिन क्या होता है जैसे ही अगला दिन लगता है तो हमारी चिंता फिर से बढ़ जाती है। क्योंकि पुलिस अगर 2 महीने बाद चोरों को पकड़ेगी, 3 महीने के बाद पकड़ेगी, और अगर हमारा सामान नहीं मिलेगा तो एफर्ट की वैल्यू 30% रहेगी, क्योंकि 70% तो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं हमारा सामान बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी जीवन भर की कमाई है, हमारी पूरी की पूरी कमाई हमारी ये चोर ले जा चुके हैं। चलिए सायमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगभग 25 दिन बीत चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन के हाथ अभी तक खाली हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि लगातार योगी सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म हो गया है, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये फुटेज ये कहने के लिए काफी है कि अभी भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है हमारे पुलिस प्रशासन डिपार्टमेंट को भी और सरकार को भी। चलिए खबरों में